हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया सीरीज़, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारे असम में जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि SSC का एग्ज़ाम होगा, CET एग्ज़ाम होगा, बैंक, रेलवे और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे State PSC होगा, सब में काम आएगा। उसमें PNRD का एग्ज़ाम आ रहा है और फॉरेस्ट का भी एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत SI का एग्ज़ाम आ रहा है, सब में हेल्प होगा। उससे पहले शुरू करने आज से हम लोग शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। पहला हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का, शुरू करेंगे। और प्रॉफिट और लॉस में हम लोग देखेंगे, पहले ये हमारा कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं। सबसे पहले फार्मूलाज में से हमारा आ रहा है, पहले आप एक फार्मूला नोट कीजिए, SP जो हम लोग लिखेंगे, SP मतलब है आपका सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100। ये फार्मूला कब हम लोग इस्तेमाल करेंगे? ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा। जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा तब ये फार्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा फार्मूला आ रहा है जब लॉस परसेंटेज दिया होगा या फिर लॉस परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा, तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे, SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 माइनस लॉस बाई 100। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब हमारा लॉस परसेंटेज दिया रहेगा, और जब प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा हम लोग उसमें ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ए पर्सन बाइज एन आइटम फॉर 240 रुपीज़, इफ सेलिंग द आइटम फॉर X रुपीज़ ओकर्स ए लॉस ऑफ 15%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। आपको X की वैल्यू निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 240 रुपीज़ जो दिया हुआ है वो आपका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 240 रुपीज़। आपको X निकालना है जो कि आपकी सेलिंग प्राइस है, और उसमें लॉस आपका हो रहा है, लॉस दिया हुआ है 15%। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP कॉस्ट प्राइस जो कि हमारा है 240 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है 15 बाई 100। तो इसको हम लोग सीधा सीधा कर सकते हैं, 240 इंटू 100 माइनस 15 होता है आपका 85 बाई 100। अगर 0 0 काट देंगे और 5 से इसको 517 टाइम्स और ये 212 टाइम्स, तो आपका होता है 12 इंटू 17 जो कि होता है आपका 204। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, 204। अगले क्वेश्चन देखेंगे, राम बाइज ए मोबाइल फॉर रुपीज़ 4800। इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना है? CP दिया हुआ है 4800, और सेलिंग इट फॉर रुपीज़ SP दिया हुआ है कितना है? 5400, सेलिंग इट फॉर 5400। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है उसका, प्रॉफिट हो रहा है इसमें, अगर प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, SP माइनस CP हो जा रहा है 600, और 600 का परसेंटेज निकालेंगे, सिंपल 600 बाई 4800 इंटू 100 अगर करेंगे तो 4800 चला जाएगा, और 48 देखेंगे 2 से देते हैं, 2 जा 4, 2 4 जा 8, इधर 2 300 टाइम्स 24 आ रहा है, 2 12 जा 24, 2 150 टाइम्स 150 बाई 12, 150 बाई 12, अगर 150 बाई 12 करते हैं तो आपका आंसर आता है 12
12.5%। तो इसका आंसर नंबर सी बी हो जाएगा, इसका आंसर 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए पर्सन बाइज एन आइटम फॉर रुपीज 450 एंड सेल इट फॉर 500, फाइंड अ प्रॉफिट परसेंटेज। सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए एक बार। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सी पी इक्वल टू 450 और एस पी दिया हुआ है 500 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट। सिंपल परसेंटेज निकालना है आपको, 50/450 इंटू 100, 0 0 गुण 5 2 टाइम्स, 5 9 जा 45। सिंपल, 50 2 जा 100, 100/9। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11.11%, आंसर नंबर सी। अगले क्वेश्चन देखेंगे। रवि सेल्स एन आइटम फॉर 1810, तो उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना है 810 एंड मेक ए लॉस ऑफ 20%। लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ दैट आइटम, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, पूरा इजी फॉर्मूला हम लोग को पता है। एस पी इक्वल टू सी पी, एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 100 माइनस लॉस बाई 100। तो आपके इधर एस पी दिया हुआ है कितना है 810 इज इक्वल टू, आपको सी पी निकालना है और 100 माइनस 20/100। अगर इधर सी पी देखते तो सी पी हो जाएगा 810, ये 100 ऊपर चला जाएगा, इंटू 100/80, 0 0 गुण। फिर अगर आप फिर से काटें, इसको कट करते हैं तो इधर आ जाता है 2 और इधर 2 4 8, 2 5 10, और फिर से कट कर सकते हैं हम लोग, 2 2 4 और 2 4 8 0 4 0 5। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 405 × 5 हो जा रहा है आपका 2025 2025 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर डिवाइड करेंगे 2025 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 1012.5। इसका आंसर हो जा रहा है नंबर डी, नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 1012.5। फॉर्मूला आपको पता है, एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 100 माइनस लॉस। ईजी है एकदम, कोई दिक्कत का बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ए शॉपकीपर सेल्स ए चार्जर फॉर रुपीज 115, तो इसका एस पी दिया हुआ है, एस पी कितना है, एस पी इक्वल टू 155, मेक ए प्रॉफिट ऑफ 24%। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट इक्वल टू 24%। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द चार्जर, आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करें। उसमें लॉस दिया था, इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है, प्लस होगा बस और कुछ नहीं। इसमें आपका एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100। वन फाइव फाइव इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, जो कि 124/100 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, सी पी इक्वल टू कितना आ रहा है, 155 × 100/124। इधर अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो सी पी आपका आ जाता है 125। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी। अगले क्वेश्चन देखेंगे। बाई सेलिंग ए टी वी फॉर रुपीज 16,000, मतलब एस पी दिया हुआ है कितना है 16,000, ए शॉपकीपर ओके 20% लॉस, लॉस कितना हो रहा है 20% का। इफ़ यू वॉन्ट टू अर्न 15% प्रॉफिट, उसको कितना चाहिए, 15% प्रॉफिट चाहिए उसको, तो देन व्हाट प्राइस विल ही हैव टू सेल द टीवी, तो वो कितने प्राइस में इसको बेचेगा। अगर 15% प्रॉफिट चाहिए होगा, आपका लॉस कितना हो रहा है, लॉस पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा इसका। हम लोगों को पता है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का दो फॉर्मूला कर चुके, तो हम लोगों को पता है एस पी इक्वल टू सी पी इंटू लॉस जब हो रहा है 100 माइनस लॉस बाई 100, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं तो अगले स्टेप क्या आता है देख लेंगे। सी पी इक्वल टू आ जा रहा है
16,000 इंटू 100 बाई 80 आ जाएगा, 0,0 कट कर देंगे, 8 2 16 ट्रिपल 2,000 आ जाता है 20,000। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 20,000। अगर कॉस्ट प्राइस 20,000 है तो आपको 15% प्रॉफिट चाहिए, तो 20,000 का 15% कितना होता है, 20,000 का 15% होता है 3,000 रुपीस, और इसका मतलब आपको 20,000 प्लस 3,000 अगर करेंगे हम लोग तो फिर 23,000 में आपको सेल करना पड़ेगा, तब भी आपका प्रॉफिट होगा 15%। इसका मतलब आंसर हो जाएगा नंबर ए 23,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए पर्सन मेक्स 25% प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आइटम फॉर रुपीज 3,500। इसका मतलब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको प्रॉफिट चाहिए कितने का, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 3,500 और प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 25% प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, आपको इसका इफ़ यू वांट टू अर्न 33% प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का चाहिए, 33% का प्रॉफिट चाहिए, तब उसको कितने में सेल करना पड़ेगा। अगर इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप लोग, कॉस्ट प्राइस का मैं सिखा चुका हूँ आपको कैसे निकालना है, तो सी पी इक्वल टू आता है आपका 2,800 और अगर हम लोग इसको 2,800 इसका कॉस्ट प्राइस आ रहा है और इसका अगर 33% निकालते हैं, 33% आपका होता है 924 होता है 2,800 का 33%, तो अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आता है 3,724। इतने रुपए में अगर बेचेंगे तो इसका प्रॉफिट होगा कितना, 33%। इसका मतलब आंसर हो जा रहा है नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलिंग एन आइटम फॉर रुपीज 840 ओकर्स अ लॉस ऑफ एक्स परसेंट, सेलिंग द सेम आइटम फॉर रुपीज 1,015 गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 16%, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सेम क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है और कॉस्ट प्राइस निकाल के उसका प्रॉफिट निकाल लेना है। सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें पहले, फिर मैं कराऊंगा। आई होप आप लोग कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं इसका सेलिंग प्राइस। देखिए सेकंड केस में क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है 1,015 और प्रॉफिट दिया हुआ है कितना है, 16%। प्रॉफिट 16% दिया हुआ है तो आपका इधर से सीपी आप निकाल लेंगे, सीपी इक्वल टू 1,015 इंटू 100 बाई 116। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 875। ये आपका सीपी आ गया, और इसको पहले के फास्ट केस में यूज़ कर लेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे फास्ट। देखिए पहले वाले में दिया हुआ 840 आपका सेलिंग प्राइस, एस पी इक्वल टू कितना है, 840 इज इक्वल टू सीपी आपका 875 और 100 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स लॉस है, बाई 100 अगर करेंगे तो इधर से सिंप्लीफाई करने से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, और एक्स का वैल्यू आएगा कितना आ रहा है आपका, एक्स का वैल्यू लॉस 4% आ जाएगा आपका आंसर, तो आंसर होगा नंबर डी 4। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का और प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो और क्वेश्चन करेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपको चाहिए, और ये सब जितना क्वेश्चन दिखाया है मैंने बेसिक क्वेश्चन दिखाया है, और आगे आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाएंगे, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।